हेलो शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। हेलो, आ गए हैं हम यहाँ अपने पार्टी बस, क्योंकि हम जाने वाले हैं क्रिसमस लाइट्स देखने के लिए। और यहाँ पर सब हे लेडीज, कहाँ आ गए हम लोग? तो चलिए आपको ले जाते हैं टूर में। वैसे ये जो बस है ये आप प्राइवेट भी बुकिंग कर सकते हैं अपने पार्टीज़ के लिए। आज जो हम जा रहे हैं वो एक पब्लिक टूर है, जहाँ पर वो आपको 3-4 शहर की क्रिसमस लाइट्स जो हैं, जहाँ पर अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं वो दिखाते हैं। और बट अच्छी बात ये थी कि आज के दिन जहाँ हमने जिस दिन बुकिंग की थी उस दिन कोई और बाहर के लोगों ने बुकिंग नहीं की थी, तो जो हम 17 लोग थे वो सिर्फ हमारा फ्रेंड्स ग्रुप था। सो ऑलमोस्ट लाइक प्राइवेट टूर ही हो गया हमारे लिए। तो हमारी तो फुल ऑन मस्ती थी। तो हमने क्या क्या किया चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखो डिमांड इतना ना, तू बना के लाने वाली थी ना, बताया नहीं तू। थैंक यू। एवरीवन से चीयर्स। तो शुरू में जब हमने ये बस में बैठे तब क्रिसमस कैरोल्स चल रहे थे, क्रिसमस का माहौल था और बाहर हम लाइट्स देख रहे थे। वैसे ही पूरा अंधेरा इन्होंने कर दिया था बस को, क्योंकि जब लाइट्स दिखेंगे बाहर अब अच्छे से देख पाएँ इसलिए बस के लाइट्स को बंद करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ कुछ अच्छे अच्छे जगह पर जहाँ पर उन्होंने लाइटिंग्स दिखाई थी क्रिसमस की, मैं आपको उसकी टूर कराने वाली हूँ। और अगेन पूरा क्रिसमस के कैरोल्स चल रहे थे बस में। तो पहला तो 1 घंटा ऐसे ही हमने लाइटिंग्स देखी और क्रिसमस के सॉन्ग्स इन्जॉय किए, थोड़ा बहुत जो फ्राइज आया था वो इन्जॉय किए। लेकिन उसके बाद हमारा एक अच्छा सा स्टॉप आया लाइटिंग का, जो मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद माहौल बदल गया। तो ये देखिए, ये है वो स्पॉट, आप देख सकते हैं ऊपर में उन्होंने एलईडी स्क्रीन लगाई हुई है जहाँ क्रिसमस के मूवीज़ चल रहे हैं। और ये अलग अलग सांता के स्टैचूज़ हैं। और मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप ये पूरे शहर में घूमें तो आपको हर जगह हर घर एकदम लाइटिंग्स भरे दिखेंगे और बहुत ही खूबसूरत। बट जो माहौल बदली है वो है कि हमने क्रिसमस कैरल्स को चेंज करके लगा दिया अपना बॉलीवुड सॉन्ग। और उसके बाद जो हमारी डांस शुरू हुई है, जो मस्ती शुरू हुई है, लाइटिंग्स हम थोड़े बहुत देख रहे थे जहाँ जहाँ थोड़े अच्छे स्पॉट थे, बट बाकी तो हम बस का टूर जो हमें शहर भर में घुमा रहा था वो हम इंजॉय कर रहे थे दिल खोल के। लोग यहाँ पर क्रिसमस के टाइम पे इतना अच्छा कर देते हैं पूरे शहर को कि आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। Oh, my God.
सबके बीच में हमने सेलिब्रेट किया हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे, जो अभी उनका बर्थडे गया था। बड़ी अच्छा मौका था केक कटिंग के लिए। फिर हम उतरे, ये एक बहुत ही अच्छा स्पॉट था जो एक पार्क था, और यहाँ पर सारे पेड़ को ऐसे सजाया गया था लाइट से। वैसे इस शहर में बहुत सारे पेड़ जो मेन रोड्स हैं वहाँ पर सजाया जाता है, तो पूरा शहर ऐसा लगता है कि दिवाली मनाई जा रही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट ये स्पॉट हमें अच्छा लगा कि हम उतर के थोड़ा सा घूम सकते हैं। यहाँ छोटा सा एक घर था जिंजर बेयर हाउस के जैसा, तो वो भी अच्छा लग रहा था। हमने फ़ोटोज़ लिए, बच्चों ने भी इंजॉय किया। बट इस बीच में फिर हमने रात के 10 बज चुके थे और आधा घंटे का टूर और बाकी था, पर इस बीच हमने क्योंकि पूरी बस ऑलमोस्ट हमारी प्राइवेट टूर हो गई थी, और जो ड्राइवर थे वो बहुत ही अच्छे थे जो हमारे टूर गाइड थे, और उन्होंने कहा कि आपको जहाँ चलना है मैं आपको लेके जा सकता हूँ। तो हम गए इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि वहाँ पर हमने बुकिंग की थी, हमने ऑर्डर दे दिया था चाय के लिए और समोसा के लिए, तो वो हमारा वेट कर रहे थे एकदम समोसा और चाय के कप के साथ। समोसा और चाय का चीयर्स करते हैं। हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते, जो चाय का कप मिला उससे हमने स्टार्ट की नई ट्रेंड। ये हमारा मेमोरेबल टूर था जो ख़त्म होता है, और अमेरिका में ऐसा फन हमने पहले कभी किया नहीं था, और फैमिली के साथ और भी मज़ा आया, बच्चे भी पूरा इंजॉय किए। बट अगेन, बहुत सारे लोग इसे अपना प्राइवेट टूर यानी बर्थडे पार्टीज, बैचलर पार्टी के लिए भी बुकिंग करते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा माहौल ही अलग है, एकदम डिस्को टाइप है, पर अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को, और ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा टूर। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर देखें, मिले हमारे टूर गाइड और हमारे जो ड्राइवर थे जोशुआ से भी, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमें बहुत इंजॉय करवाया। सो जो जोशुआ हैं उन्होंने हमारे साथ चाय भी इंजॉय की, समोसा और केक भी इंजॉय किया। सबसे मस्त चीज़ थी कि जब बॉलीवुड गाना बज रहा था तो उनके भी पैर और हाथ थिरथिरा रहे थे जब वो ड्राइव कर रहे थे, तो सब ने हमने, और वो बोल रहे थे कि मैं देख सकता हूँ कि आपको लाइट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको एंजॉय करना है, पार्टी करना है, तो आप जो चाहिए जो मर्ज़ी है करिए, और मुझे बस बता दीजिए क्या करना है, कहाँ जाना है, एंड आई एम विथ यू। सो दैट वॉज़ वेरी गुड पार्ट। सो